बुधवार को मनपा के सभी ठेकेदारों ने अपना बकाया बिल राशि मिलने की मांग को लेकर मनपा मुख्यालय में आंदोलन किया। समिति का कहना है कि मनपा की ओर हमारे कई सालों से बिल की राशि नहीं दी है, इसीलिए यह आंदोलन किया गया है। अभी हम काफ़ी दिनों से, मतलब करीब एक साल से इसी में जूझ रहे हैं कि पेमेंट अभी मिलने वाला करके, लेकिन लास्ट नवम्बर में जो बिल गए थे, जिसके काम और 4-5 महीने पहले होते, मतलब 1.5 साल के करीब पहले जो काम किए थे, उसके भी पैसे अभी तक हमारे को मिले नहीं। तो अब ये 2020 का नवंबर आ गया है, तो आज उम्मीद थी सब ठेकेदारों को कि कम से कम 2-3 महीने का पेमेंट निकलेगा, तो कुछ सब्सटेंशियल पैसे हुए तो सभी की दिवाली यानी मटेरियल वालों के, लेबर की होंगी। पर वो उस पर भी आज ऐसा हुआ कि नहीं, सिर्फ 1 महीने का जिसका नवम्बर का 19 का पेमेंट है उसका होगा, और जिसको 5 लाख के अंदर है, मतलब 5 लाख के ऊपर है उसको नहीं, 5 लाख के अंदर है, तो इतने महीने से जो पेमेंट नहीं हुए तो ऑब्वियसली सबके पैसे 5 लाख के ऊपर ही है, तो वो उस हिसाब से काफ़ी ठेकेदार वंचित रह जाएंगे, ऐसे कमिश्नर को बताए तो उनने बोला नहीं, अभी सिचुएशन बहुत टाइट है, अभी दिवाली है, दिवाली के बाद सोचेंगे। तो अभी कई लोगों की दिवाली यानी अंधेरे हो जाएंगी, सिर्फ ठेकेदारों की नहीं, इनसे जो जुड़े परिवार है, जो उम्मीद लेके बैठा है कि सेठ अपने को पैसे देगा, तो उनकी भी दिवाली अंधेरे में जाएंगी। और इस तरह से अभी जैसे हमने कोई बहिष्कार नहीं किया काम का, टेंडर का, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, सबने काम बंद ही कर दिया, और दिवाली के बाद जो थोड़े बहुत चालू थे वो भी बंद हो जाएंगे। तो जिस तरह से अभी जैसे शहर थम जाएगा, कई लोगों के रोजगार टूट जाएंगे, वैसे ही लोगों को कोरोना के चक्कर में बहुत सारा ये हुआ। और ऐसा नहीं है कि जैसे चेयरमैन साहब बोलते कि पैसा आया है, पहले 65 कोटी जाता था, 100 कोटी हो गया, पुराना बैकलॉग भी आया, बट फिर वो कैफो साहब बोलते कि पैसे नहीं है। अभी कौन कहाँ पे क्या बोल रहा है आज तक हमारे किसी को समझ में नहीं आया कि ये पैसा गया कहाँ, फिर आया है तो, या तो फिर आया नहीं। अब लास्ट टाइम प्रेस में अगर बोला गया था कि इतना पैसा आया है, अब सब जन को उम्मीद होगी इतना पैसा आया तो ठेकेदारों को पैसा मिल गया, ये दे नहीं रहे, तो हमारी यानी पैसे से भी टूटे और बदनामी भी हो रही कि पैसे मिलने के बाद भी ये ठेकेदार नहीं दे रहे करके। तो हम लोग का इनको बार बार रिक्वेस्ट था कि भैया कुछ रिलीज़ करो, कम से कम 3 महीने का रिलीज़ करो, तो एक सब्सटेंशियल पैसे मिला, तो थोड़ा सा मटेरियल वालों को भी बेचारों को मिलता तो वो और उधारी देंगे, उसको भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी बेचारा खाली पीला ही बैठा है। बट ये पूरे ही बंद हो जाने से भी पूरे शहर के भी डेवलपमेंट पे असर तो पड़ेगा, प्लस बहुत सारे बेचारों को रोज़गार भी जाएगा, क्योंकि हम भी कितना बैठ के खिलाएंगे किसी को। कमिश्नर साहब का भी कहना था कि अभी बजट हुआ, जब आम सभा में वो सब ये हो जाएगा, आचार संहिता ख़त्म होगी, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें शायद पैसे रिलीज़ होंगे, ऐसा उनका कहना है। और ये 1 साल का नहीं, अभी 2 महीने का नहीं है, ये 4-5 साल का ये जो बर्डन था, वो बर्डन होते 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 एक साथ यहाँ जमा हुआ। हाँ, फंड हुए, ऑप्शन नहीं है ना, पैसा नहीं है तो कितना काम करेंगे आदमी, उधारी में कितना, किसी को शर्म आती मांगने के लिए मटेरियल वालों की कि भैया पर एक पैसे है तेरे ऑलरेडी, 10 लाख और मेरे को दे दे, तो बोलने को भी शर्म आती। कुछ देते रहे उसको तो वो भी बोलता चल ठीक है, चलता है, लेकिन कुछ भी नहीं देंगे तो उससे पैसे मटेरियल भी नहीं मांग सकते, और इससे शहर के जो रोज़गार है वो भी बहुत टूटेगा, उसको भी मैंने हमको अफसोस होगा, लेकिन हम क्या कर सकते। अब आचार संहिता ख़त्म होगी, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें शायद पैसे रिलीज़ होंगे, ऐसा उनका कहना है। और ये 1 साल का नहीं, अभी 2 महीने का नहीं है, ये 4-5 साल का ये जो बर्डन था, वो बर्डन होते 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 एक साथ यहाँ जमा हुआ। हाँ, फंड हुए, ऑप्शन नहीं है ना, पैसा नहीं है तो कितना काम करेंगे आदमी, उधारी में कितना, किसी को शर्म आती मांगने के लिए मटेरियल वालों की कि भैया पर एक पैसे है तेरे ऑलरेडी, 10 लाख और मेरे को दे दे, तो बोलने को भी शर्म आती। कुछ देते रहे उसको तो वो भी बोलता चल ठीक है, चलता है, लेकिन कुछ भी नहीं देंगे तो उससे पैसे मटेरियल भी नहीं मांग सकते, और इससे शहर के जो रोज़गार है वो भी बहुत टूटेगा, उसको भी मैंने हमको अफसोस होगा, लेकिन हम क्या कर सकते।